आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। दत्त का बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीता और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन किशोरावस्था से भी पहले शुरू हो गया था, जब उन्होंने कानपुर की माल रोड पर अंग्रेजों को एक भारतीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते देखा। वो बच्चा सड़क पर घूम रहा था, जो भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था। इस घटना ने बटुकेश्वर दत्त पर गहरा प्रभाव डाला। और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रताप के संपादक सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के माध्यम से दत्त सचेंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह उसी समय रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुए। कानपुर में रहने के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दत्त ने बांग्ला भाषा सीखने में भी भगत सिंह की सहायता की और काजी नजरुल इस्लाम की कविता से उनका परिचय कराया, जिसे वे अक्सर गाते थे। 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट्स और पंजाब सेफ्टी बिल्स के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धुएं के बम फेंके और निर्भीकता से इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम केस में आजीवन कारावास की सजा हुई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 2 बार भूख हड़ताल की। बाद में 1937 में उन्हें सेलुलर जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। वहां से दत्त को दिल्ली जेल और अंत में पटना जेल भेजा गया। दत्त को 8 सितंबर 1938 को रिहा किया गया, क्योंकि कई बीमारियों के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। दत्त को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे किसी तरह की हिंसक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ेंगे। रिहा होने पर जब उनकी सेहत ठीक होने लगी तो दत्त एक बार फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बटुकेश्वर दत्त ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1947 में रिहा किया गया। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में कैंसर से बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु हो गई। भगत सिंह की 85 वर्ष की माताजी अक्सर अस्पताल में बटुकेश्वर दत्त को देखने जाती थीं। दत्त के इच्छा के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के स्मारक के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज महान स्वाधीनता सेनानी और कवि वल्लयप्पन अलोकनाथन चिदंबरम की पुण्यतिथि है। उन्हें वीओसी के नाम से भी जाना जाता है। वे कप्पा लुटिया तमिझन या द तमिल हेल्समैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे प्रसिद्ध वकील, मजदूर संघ के नेता और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे। चिदंबरम ने कोयला मिलों के मजदूरों को एकजुट किया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापित की। तूतीकोरिन 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में स्वाधीनता संघर्ष का गढ़ बन गया था। वीओ चिदंबरम ने स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांत के साथ राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के बीज बोए। अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए
और आजीवन कारावास की सजा दी। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस भी वापस ले लिया गया। तूतीकोरिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यालय में 18 नवंबर 1936 को VOC का निधन हो गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।